ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मजे में है? ठीक। हमने फर्स्ट क्लास जो है डोजेस फॉर्म की कंप्लीट करी। अभी नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रिस्क्रिप्शन। अभी एग्जाम में प्रिस्क्रिप्शन आपसे कैसा पूछा जाएगा, चीजों को समझे आप लोग। जनरली जो प्रिस्क्रिप्शन आज की डेट में हम देखते हैं वो रेडीमेड प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। लेकिन पहले की डेट में जब प्रिस्क्रिप्शन होता था, पहले डोजेस फॉर्म बनी हुई नहीं आती थी। जो डोजेस फॉर्म रहते थे ना, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, क्या बनाना है, वो बनी हुई नहीं आती थी। उनको एक्चुअली कंपाउंड करना पड़ता था। उसको बनाने को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड करना। क्या बोलना? और फिर उसको जब हम देते थे तो उसको बोलते थे डिस्पेंस कर देना। कंपाउंड एंड डिस्पेंस। तो समझ में आया, उस तरीके से हमको प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना है। तो आपसे पूछा जाएगा पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। तो आपको प्रिस्क्रिप्शन दोनों तरीके के बताना है। आज की डेट में जो मॉडर्न एज की बात करें तो रेडीमेड मेडिसिन आर देयर, बनी बनाई है। लेकिन पहले क्या होता था? पहले बनी बनाई मेडिसिन नहीं होती थी। पहले जो फिजिशियंस होते थे, डॉक्टर होते थे, वो क्या करते थे, जो भी क्वांटिटी है मेडिकामेंट्स जो लगने हैं उनकी क्वांटिटी, मतलब जो एपीआई है उसकी क्वांटिटी, और जो एक्सीपिएंट लगने हैं उसके नाम और क्वांटिटी लिख देती थी। वो फार्मासिस्ट के पास में जाता था और फार्मासिस्ट उसको क्या करता था, कंपाउंड करता था, और फिर जो पेशेंट है उसको दे देता था। फिर जो फिजिशियन होता था, फिजिशियन के डायरेक्शन किसको, फार्मासिस्ट के लिए। जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, वो सबसे पहले किसको डायरेक्शन देगा? फार्मासिस्ट को देगा ना, कि क्या बनाना है, उसका क्या, कितनी क्या क्वांटिटी है। फिर फिजिशियन का एक और डायरेक्शन होता पेशेंट के लिए। फिजिशियन जो है दो लोगों को डायरेक्शन देता है ना, मतलब दो लोगों को ऑर्डर देता है। एक तो किसको? फार्मासिस्ट को। आज तो रेडीमेड दवाई आती है तो वो फार्मासिस्ट को डायरेक्ट बोल देता है, आप ये ब्रांड की मेडिसिन दे दो उसको। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो इस तरीके से इस टॉपिक को समझना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन एंड राइट द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। क्या पूछा जाता है? हाँ, हेडिंग डालने, प्रिस्क्रिप्शन एंड पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन एंड पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक। तो प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। प्रिस्क्रिप्शन जो है उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब प्रिस्क्रिप्शन की, तो इसको सामान्य भाषा में हम और आप बोले तो पर्चा बोलते हैं डॉक्टर का। जो पर्ची होती है ना डॉक्टर की, जो स्लिप होती है जिसमें मेडिसिन वगैरह लिखी हुई रहती है, और उसमें आपने देखा होगा एक टैबलेट, दो टैबलेट गोल गोल घुमा के बना भी देते हैं। वो इंडिकेट करता है दो बार दिन में, तीन बार दिन में, इस तरीके से वो लिख देते हैं। वो डॉक्टर्स की लैंग्वेज होती है। तो जनरली जब एग्जाम में हमको प्रिस्क्रिप्शन को डिफाइन करना होगा तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? एक ऑर्डर है। क्या है? एक ऑर्डर है। तो कैसा ऑर्डर है? वो लिखा हुआ ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है? लिखा हुआ ऑर्डर है। तो कोई भी पूछेगा आपसे व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन, तो आप क्या डिफाइन करेंगे? प्रिस्क्रिप्शन इज द रिटन ऑर्डर। क्या है प्रिस्क्रिप्शन? व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन? रिटन ऑर्डर। प्रिस्क्रिप्शन इज व्हाट? रिटन ऑर्डर, लिखा हुआ आदेश है। अब ये आदेश कौन लिखता है? हाँ, तो झोला छाप डॉक्टर लिखता है क्या? नहीं, रजिस्टर्ड डॉक्टर। ठीक है ना। प्रिस्क्रिप्शन इज द रिटन ऑर्डर बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, भी बोल सकते हैं ना, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, या तो फिजिशियन भी बोल सकते हैं, या तो रजिस्टर्ड डॉक्टर भी बोल सकते हैं। रजिस्टर्ड फिजिशियन और डॉक्टर, एक रजिस्टर्ड डॉक्टर ही लिख सकता है। ठीक है ना। अब किसको लिखता है? ये तो हमने बता दिया प्रिस्क्रिप्शन क्या है, रिटन ऑर्डर। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? रिटन ऑर्डर। सभी को समझ में आया? मतलब यदि हम अपनी भाषा में बोलेंगे तो एक लिखित आदेश है, लेकिन एग्जाम में तो हम ऐसा थोड़ी ना लिखेंगे। एग्जाम में हमको बताना है। तो प्रिस्क्रिप्शन इज, व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन? रिटन ऑर्डर। बायवा में भी पूछा जाएगा आपसे कभी एग्जाम में, या ओरली कभी बायवा होता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखा करो कि किसी भी डेफिनेशन को जब हमको बताना है तो उसकी शुरुआत कैसे करना है। इज द आर द तो बन ही जाएगा, ग्रामेटिकल पोर्शन है वो, लेकिन बेसिक क्या है प्रिस्क्रिप्शन? रिटन ऑर्डर है, बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और फिजिशियन, रजिस्टर्ड फिजिशियन और बाय द रजिस्टर्ड डॉक्टर। यहां तक समझ में आया? ये किसके लिए होता है? टू द पेशेंट, सॉरी टू द फार्मासिस्ट। पहले तो ये फार्मासिस्ट के लिए होता है ना, टू द फार्मासिस्ट। अब फार्मासिस्ट के लिए क्यों होता है? टू द फार्मासिस्ट टू कंपाउंड,
टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस. ये वर्ड समझ में आया, कंपाउंड एंड डिस्पेंस क्यों बोल रहे हैं हम? पहले के समय में जो मेडिसिन होती थी वो बनी बनाई नहीं आती थी, तो डॉक्टर्स क्या करते थे, उस दवाई का नाम लिख देते थे कि कौन सी दवाई का नाम है और कौन से इंग्रेडिएंट हैं, उसको मिक्स करके आप बना के फिर उसका पाउडर फॉर्म या टैबलेट बना के या सिरप बना के तुरंत दो. तो कंपाउंड करना, बनाना, फार्मासिस्ट के लिए, टू द फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस, और बना के फिर उसको दे दो आप, है ना. टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन टू द पेशेंट. अभी आ जाएगा फाइनली किसको देना है. टू द फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन, मतलब आपके लिए वो जो रिटेन ऑर्डर होता है वो फार्मासिस्ट के पास जाता है, है ना, जिसमें आपके लिए क्या होता है, अ स्पेसिफिक मेडिकेशन, मतलब एक क्या मेडिकेशन होगा, क्या दवाइयां हैं, उसकी प्रोसीजर क्या होगी, कैसे आप लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक मेडिकेशन. ठीक, टू द पेशेंट, पेशेंट के लिए स्पेसिफिक मेडिकेशन. तो ये चार पॉइंट आपको ध्यान रखने व्हेन यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन. तो प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन, इट इज द रिटन ऑर्डर. व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन, रिटन ऑर्डर बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या तो रजिस्टर्ड डॉक्टर. दो पॉइंट पहले याद रखना है आपको, क्या है प्रिस्क्रिप्शन, रिटन ऑर्डर बाय रजिस्टर्ड डॉक्टर. व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन, रिटन ऑर्डर बाय द रजिस्टर्ड डॉक्टर. किसके लिए, टू द फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन टू द पेशेंट, है ना. रजिस्टर्ड डॉक्टर है, रिटन ऑर्डर उसने लिखा, रजिस्टर्ड डॉक्टर. टू द फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन टू द पेशेंट. तो ये हो गया हमारा प्रिस्क्रिप्शन. अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. क्या आता है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक. तो इसको लिखेंगे, इसमें एट पॉइंट्स आपको बताने. कितने पॉइंट्स बताने हैं, एट पॉइंट. तो पहला पॉइंट लिखना आप लोग, प्रिस्क्रिप्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेट. इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, डेट. अब डेट प्राइमरी पार्ट है इसका, है ना. डेट का यूटिलाइजेशन क्या है, तो इसको हम पॉइंट में बताएंगे. फर्स्ट, डेट आपका क्या एक तरीके का रिकॉर्ड है. डेट क्या आपका एक तरीके का रिकॉर्ड है. हाँ, कम. डेट क्या है आपका रिकॉर्ड, मतलब जिससे कि आपको पता होता है कि कब आपने पहली बार मेडिकेशन लिया था, ठीक. सेकंड, आप क्या बता सकते हैं. डेट इसलिए भी जरूरी होती है, कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनका कि मिसयूज हो सकता है, ठीक है ना. तो ये हमें किस चीज के लिए भी, डेट का, डेट तो इंपॉर्टेंट पार्ट है. हमको ये बताना है कि डेट इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन. जब हम लिखेंगे तो डेट क्या है, प्राइमरी एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. डेट क्या है, प्राइमरी एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. इट इज नेसेसरी फॉर द रिकॉर्ड पर्पस. इज नेसेसरी फॉर द रिकॉर्ड पर्पस, एक रिकॉर्ड पर्पस के लिए जरूरी होती है. सेकंड, डेट क्यों जरूरी होती है, टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द ड्रग. ड्रग का मिसयूज ना हो, मतलब उसका दुरुपयोग ना हो. जो कई सारी ऐसी दवाइयां होती है ना, जैसे आपने देखा होगा कोरेक्स सिरप जो होती है उसमें एल्कोहल का कंटेंट ज्यादा होता है, तो कई लोग कोरेक्स सिरप को ऐसा जो है, हाँ, एडिक्शन के लिए, नशे के लिए भी यूटिलाइज करते हैं. और ऐसी कई दवाइयां भी ऐसी हैं, है ना, जिनका मिसयूज हो सकता है, तो इसलिए डेट जरूरी होती है. फिर इसमें एक और पॉइंट लिखना कि ये क्या है, ये ओल्ड केस स्टडी में हेल्प करती है आपका. ऑल्सो हेल्प इन ओल्ड केस स्टडी. तो डेट में तीन पॉइंट याद रखने हैं आपको, इन्हीं तीन पॉइंट में थ्योरी बतानी है. अब देखो, डेट क्या है, प्राइमरी एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. इट इज द फर्स्ट, प्राइमरी एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. सेकंड, इट इज द काइंड ऑफ रिकॉर्ड. एक तरीके का रिकॉर्ड होती है मेडिकेशंस का, एक रिकॉर्ड के लिए यूज होता है इसका. सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, ठीक है ना, डेट इज गिवन टू द प्रिस्क्रिप्शन फॉर द रिकॉर्ड पर्पस. डेट का पर्पस क्या है, एक रिकॉर्ड मेंटेन रहे. सेकंड, टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ ड्रग. ड्रग के मिसयूज को रोकने के लिए, प्रिवेंट करना मतलब रोकना. फिर नेक्स्ट, ओल्ड केस स्टडी. कई बार क्या होता है, कई आप देखते हैं कि एक जो पर्सन था वो किसी पर्टिकुलर डॉक्टर से मेडिकेशन ले रहा था और उसका जो है गड़बड़ यूज हो गया, तो जिसके कारण से क्या हुआ, क्लास हो जाए सर,
है ना, क्लास के बाद। हाँ कहाँ, बरेला जा रहे हो? एक मिनट, मतलब मिसयूज में आपको क्या है डाउट है कि क्या है? मिसयूज मतलब दुरुपयोग हो सकता है ना दवाइयों का, क्यों? यदि डेट नहीं डली होगी, प्रिस्क्रिप्शन में कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर डेट के लिए होती हैं। अब आपके पास में डेट नहीं है, वो किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके वो दवाई बार बार ले सकता है ना। कुछ दवाइयों में स्पेसिफिक होता है कि वो बहुत ज़्यादा इशू नहीं होंगी। आ रहा है समझ में? तो डेट से क्या पकड़ में आ जाएगा? हाँ, डेट से पकड़ में आ जाएगा कि आपको वन मंथ के लिए मेडिकेशन लिखा गया था, उसके बाद आप रिपीट एंड रिपीट ले रहे हो, तो ये उसमें पकड़ आ सकता है ना। क्योंकि हर दवाई तो फायदेमंद नहीं हो सकती ना, कुछ दवाइयों का मिसयूज भी होता है इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट आ जाएगा, पेशेंट डिटेल। पेशेंट की डिटेल भी होना जरूरी है एक प्रिस्क्रिप्शन का सेकेंडरी पार्ट, जो आपका पेशेंट है उसकी डिटेल। अब पेशेंट डिटेल में क्या क्या आ जाएगा कि पेशेंट का, हाँ, नाम क्या है उसका, नेम, उसकी एज क्या है पेशेंट की, उसका जेंडर क्या है और उसका एड्रेस क्या है। तो पेशेंट डिटेल, जो पेशेंट की डिटेल है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्रिस्क्रिप्शन। एंड इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, नेम ऑफ द पेशेंट, एज ऑफ द पेशेंट, जेंडर एंड एड्रेस। अब इसमें यह भी बता सकते हो, नेम लिखना क्यों जरूरी है? कई बार प्रिस्क्रिप्शन में यदि नेम नहीं होगा तो वो उससे क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो सकती हैं। एक व्यक्ति का प्रिस्क्रिप्शन दूसरे के पास चला गया तो, या रिटन ऑर्डर, तो वो सीवियर। इसमें आपको कारण भी बताना है जब आप थ्योरी लिखेंगे, ठीक है ना, नेम क्यों जरूरी है, दैट मे कॉज द सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। यदि द प्रिस्क्रिप्शन विल चेंज बिटवीन द टू पर्सन, दो पेशेंट के बीच में आपका प्रिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना, रिपोर्ट या प्रिस्क्रिप्शन। इसका एक बहुत एक बड़ा एग्जाम्पल है, मैं आपको क्लास के बाद में बताऊंगा कि एक मेरे पर्टिकुलर फ्रेंड है, तो उसके साथ में ऐसा हुआ था और उसके कारण से जो, मतलब उनकी फैमिली में हालत ख़राब हो गई थी, और मतलब जो रिपोर्ट आती है ना वो चेंज होने की वजह से, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, तो वो भी एक तरीके का ऑर्डर ही तो है ना। फिर एज क्यों जरूरी होती है? एज के अकॉर्डिंग मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब होता है। क्या जो हम बच्चे को मेडिकेशन दे सकते हैं, क्या बूढ़े व्यक्ति को दे सकते हैं? या यंग के लिए अलग अलग होगा मेडिकेशन, एक बच्चे के लिए अलग मेडिकेशन होता है, एक यंग एडल्ट के लिए अलग मेडिकेशन होता है और एक ओल्ड एज के लिए अलग मेडिकेशन। जेंडर के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि हार्मोनल इशूज होते हैं फीमेल एंड मेल की बात करें तो। और एड्रेस क्यों जरूरी है? इन केस यदि कोई गड़बड़ी हो गई तो हम एड्रेस से रिकॉल कर सकें। एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, एक रिकॉल करने का, मेडिकेशन को क्या करना, रिकॉल करना। रिकॉल कब करते हैं? जब अचानक से पता चले कि कोई मेडिकेशन के कारण, कोई मेडिसिन के कारण हार्मफुल इफेक्ट जनरेट हो रहे हैं तो उस मेडिकेशन को हम रिकॉल करते हैं, या कुछ जानकारी देना हो पेशेंट को तो एड्रेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाता है प्रिस्क्रिप्शन का? पेशेंट की डिटेल। फर्स्ट पार्ट क्या है? डेट। थर्ड पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप प्रिस्क्रिप्शन में देखते ही रहते हैं, आरएक्स। क्या है आरएक्स? ये आरएक्स को हम क्या बोलते हैं लेटिन टर्म में? इसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? सुपरस्क्रिप्शन इज, इट इज डिनोटेड बाय आरएक्स, इट इज डिनोटेड बाय आरएक्स। आरएक्स की कई मीनिंग होते हैं, तो आरएक्स जो है इंडिकेट करता है, एक तो एक तरीके की प्रेयर है ये। क्या है? इट इंडिकेट प्रेयर। क्या इंडिकेट करता है? प्रेयर। ग्रीक में जनरली आरएक्स जो है, ग्रीक के गॉड है, उनको भी माना जाता था, ठीक है ना, जुपिटर जो होते थे, कि वो हीलिंग के देवता माने जाते थे, है ना, हीलिंग गॉड, ठीक करने वाले देवता। तो उनके नाम पर भी है कि भाई डॉक्टर बोलता था हम तो प्रिस्क्रिप्शन लिख दे रहे हैं, बाकी अब भगवान की मर्जी है ना। फिर लेटिन में इसका मतलब होता है यू टेक, हाँ आप ले लो दवाई, हमने लिख दी अब, ठीक है ना। लेटिन में इसका मतलब क्या होता है? यू टेक। तो सुपरस्क्रिप्शन क्या है? पहले तो ये ध्यान रखना कि पहला पार्ट क्या है आपका? डेट। फिर दूसरा डेट, फिर सेकंड आपका पेशेंट इंफॉर्मेशन, फिर थर्ड है आपका सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है ना। डेट, पेशेंट इंफॉर्मेशन और सुपरस्क्रिप्शन, डीपीएस। क्या? डीपीएस। प्रिस्क्रिप्शन के पहले तीन पार्ट क्या है? डीपीएस,
सुपरस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन क्या है? आरएक्स, आरएक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स इन लेटिन यू टेक, इट इज अ काइंड ऑफ प्रेयर, प्रेयर इट इज अ काइंड ऑफ प्रेयर, साइन ऑफ प्रेयर, एक तरीके का सिंबल है जो प्रेयर बताता है कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। और ग्रीक में जनरली ये किस चीज को इंडिकेट करता है? हीलिंग, गॉड ऑफ हीलिंग को इंडिकेट करता है। तो ये पॉइंट्स आपको उसमें डिस्क्राइब करना है जब आप प्रिस्क्रिप्शन को बताएंगे। समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको, इंस्क्रिप्शन, फोर्थ पार्ट, इंस्क्रिप्शन, फोर्थ पार्ट इज व्हाट? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द व्हाट वी कैन से प्रिस्क्रिप्शन। इसमें क्या चीज आता है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको, नेम एंड क्वांटिटी, नेम एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग एंड एक्सीपिएंट, जो आपके ड्रग एंड एक्सीपिएंट है उनका नाम और क्वांटिटी। इंस्क्रिप्शन क्या इंक्लूड करता है? नेम एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग और एक्सीपिएंट, जो उसके इंग्रेडिएंट और जो ड्रग है उसका नाम और क्वांटिटी उसमें होना चाहिए। किसमें? इंस्क्रिप्शन में। इंस्क्रिप्शन क्या? इंस्क्रिप्शन। यहां पर कई बार कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी क्या होता है ये आपको पूछा जा सकता है। एग्जाम आजकल होते हैं तो उसमें एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या कभी फ्यूचर में आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे तो उसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंस्क्रिप्शन से ध्यान रखना, इंस्क्रिप्शन से आई से याद रखना इंग्रेडिएंट, आई से क्या याद रखना है? इंग्रेडिएंट। तो इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी एंड नेम ऑफ इंग्रेडिएंट, आ रहा समझ में? क्या याद रखना है हमको इंस्क्रिप्शन में? बस ये पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है। प्रिस्क्रिप्शन में एक पार्ट होता है फोर्थ पार्ट, जिसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या डिटेल्ड होती है? इंस्क्रिप्शन में डिटेल ये होती है कि उसमें नेम क्या है और क्वांटिटी क्या है। ठीक, फिर नेक्स्ट लिखना फिफ्थ, सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन क्या है? अब आपका क्या है सब्सक्रिप्शन में कि फिजिशियन का डायरेक्शन, इट इंक्लूड द डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन टू द फार्मासिस्ट, फिजिशियन का डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, सब्सक्रिप्शन फिफ्थ पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन दैट इंक्लूड द डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन, मतलब डॉक्टर का डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन टू द फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट कौन है? आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद में फार्मासिस्ट कहलाओगे, है ना? तो मेडिकल स्टोर या जो मेडिकल से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड डील कर रहा है, दैट इज फार्मासिस्ट। तो डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन, फिजिशियन का डायरेक्शन, आदेश टू द फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए कि ये जो ड्रग और एक्सीपिएंट दिए हैं इनको क्या बनाना है। ठीक है ना, व्हाट टू मेक एंड हाउ टू मेक, फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होता था कि कंपाउंड क्या करना है उसका, मतलब जो मेडिसिन बनाई है उसको टैबलेट बनाना है कि सिरप बनाकर देना है, क्या देना है। ये सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट में इंक्लूड होता है। किसमें इंक्लूड होता है? सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट में इंक्लूड होता है। फिर नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ, सिक्स्थ में आपका आ जाता है सिग्नेचरा। क्या जाता है सिग्नेचरा में? क्या हो सकता है? अब एज द नेम इंडिकेटिंग सिग्नेचरा, तो ये मत समझना साइन करना है, है ना? सिग्नेचरा में क्या है आपका? यहां पर था आपका डायरेक्शन ऑफ द फिजिशियन टू द फार्मासिस्ट, मतलब जो डॉक्टर था उसका डायरेक्शन था फार्मासिस्ट को कि उस डोजेस फॉर्म, जो ये नेम लिखे हुए ड्रग और एक्सीपिएंट के, उससे बनाना क्या है। आ रहा है समझ में? और यहां पर क्या था आपका, यहां पर भी डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन है लेकिन अब टू द पेशेंट है कि आप उस मेडिसिन को कैसे लेना है और कब कब लेना है। ठीक है ना, कि उसको मिल्क के साथ में लेना है, विदाउट मिल्क लेना है, पानी के साथ में लेना है, मॉर्निंग में लेना है कि, है ना, इवनिंग में, उस मेडिकेशन को किस तरीके से लेना है। तो सिग्नेचर में क्या है? इट इंक्लूड द डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन, हाँ, डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन टू द पेशेंट, पेशेंट के लिए डायरेक्शन होता था कि अब उस मेडिसिन को कैसे लेना है, जैसे कि ट्वाइस अ डे, दिन में दो बार, है ना,
इनके भी कुछ टर्म्स आपको पढ़ना पड़ेगा लेटिन टर्म्स में. ट्वाइस अ डे को क्या बोलते हैं? बिस इन डाए, क्वार्टर इन डाए, ओमनी. हाँ, जनरली पहले के समय में उसी में हम प्रिस्क्राइब करते थे, तो इसलिए वो टर्म पूछी भी जाती हैं आजकल. और डॉक्टर भी ज़्यादातर BID लिख देते हैं, BID, TID, मेडिसिन के पीछे बाद में BID, TID जनरली लिखते हैं. बिस इन डाए, टर इन डाए, क्वार्टर इन डाए, दिन में दो बार, दिन में तीन बार, दिन में चार बार, इस तरीके से. तो सिग्नेचरा में क्या हो जाएगा? हाँ, तो पहले क्या था आपका? DPS. फिर क्या था आपका? ISS. कौन सी संस्था है ISS? तो आई से इंस्क्रिप्शन, है ना, एस से सब्सक्रिप्शन, और फिर एस से सिग्नेचर. तो दोनों एस से क्या है ये ध्यान रखना, डायरेक्शन है. ये डबल एस किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन. पहला डायरेक्शन फिजिशियन का किसको रहेगा? फार्मासिस्ट को, कि क्या बनाना है, जो इंग्रेडिएंट के नाम लिखे उससे क्या बनाना है. और दूसरा डायरेक्शन भी फिजिशियन का रहेगा, किसके लिए? टू द पेशेंट, कि अब उस मेडिसिन को कैसे लेना है, हाउ टू टेक, ठीक है ना, एंड व्हाट टाइम टू टेक, कितने टाइम उस मेडिसिन को लेना है, ये चीज ध्यान में रखना है. तो ये 6 पार्ट हो गए. ठीक, नेक्स्ट लिखना है रिन्यूअल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. सेवेंथ पॉइंट क्या हो जाएगा? रिन्यूअल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शन का रिन्यूअल. रिन्यूअल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में क्या आ जाएगा? मतलब बोलते हैं ना डॉक्टर की ये मेडिकेशन लो, फिर एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद आप आ जाएं, दैट इज द रिन्यूअल डेट. रिन्यूअल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इंडिकेट द नेक्स्ट डेट. जनरली रिन्यूअल का पर्पस क्या होता है, कोई बता पाएगा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिन्यूअल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन? कि आपको जो मेडिकेशन दिया है उसका असर सही हो रहा है कि नहीं, मेडिकेशन का कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे, समझ में आ रहा है? इन्हीं के बेसिस पर क्या होता है, जो एक बड़े लेवल में कई बार जब कई मेडिसिन लॉन्च होती हैं, न्यू मेडिसिन आती है, एक्चुअली उनके ऊपर तो पूरा क्लिनिकल ट्रायल बहुत अच्छे से होता है, लेकिन फिर भी आखिरी क्लिनिकल ट्रायल जब होता है तो वो आखिरी जो फोर्थ फेज होता है उस, मतलब उस फेज में एक पार्ट ऐसा भी आता है कि ह्यूमन के ऊपर सर्वे चल रहा होता है उस मेडिकेशन का, लेकिन बहुत सेफ होता है वो. तो उसमें क्या कर रहे होते हैं, हम सब पता कर रहे होते हैं कि जो मेडिकेशन उस व्यक्ति को लिखा है उसका कोई इफेक्ट तो नहीं, साइड इफेक्ट, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है. यदि होता है तो उसको नोट डाउन करते हैं, यदि ज़्यादा जगह से ये रिपोर्टिंग आ रही है तो वो रिपोर्ट क्या होती है, समराइज होके आगे भेज दी जाती है. अब इन केस यदि किसी प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम हो रही है कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, है ना, जैसे एक ड्रग थी थैलीडोमाइड, एक ड्रग कौन सी थी? थैलीडोमाइड ट्रेजेडी के नाम से भी फेमस है वो ड्रग, जैसे तबाही आती है ना, तो थैलीडोमाइड तबाही करके भी एक बोला जाता है. उसमें जनरली क्या हुआ था, पहले हम इसको कंप्लीट कर लें एक टॉपिक को, फिर उसको हम बताते हैं. तो उसमें क्या करते हैं, फिर यदि कोई मेडिकेशन या मेडिसिन इस तरीके से आ जाती है मार्केट में, तो फिर उसको हम बोलते हैं रिकॉल करना. क्या बोलते हैं? वापस उठवा लेना उस प्रोडक्ट को, और फिर उसको ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं. तो सोचो एक मेडिसिन को बनाने में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितनी प्रोसेस, कितना टाइम लगता है, और फिर उसके बाद में उसको रिकॉल करके फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देना, तो एक लंबी प्रोसेस होती. तो रिन्यूअल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा. फिर एट्थ पॉइंट आपका जाएगा, जो आपका डॉक्टर है, फिजिशियन है, उसकी जानकारी, ठीक है ना, फिजिशियंस इंफॉर्मेशन. अब फिजिशियन में क्या क्या चीजें जरूरी है, कि डॉक्टर आपका झोला छाप तो नहीं है, दैट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्टिफाइड है कि नहीं डॉक्टर, फेमस है कि नहीं, ठीक है ना. अब इसमें ऐसा नहीं कि हम डॉक्टर की एज भी देखें, जेंडर भी देखें, वो पेशेंट के लिए ज़रूरी है. इसमें डॉक्टर का एड्रेस क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डॉक्टर का नाम क्या है, इस तरीके से. ठीक, इतना हमने बता दिया प्रिस्क्रिप्शन के बारे में. अब प्रिस्क्रिप्शन यहाँ ख़त्म नहीं होता है. ये तो एक सिंपल था कि आपको प्रिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ प्रिस्क्रिप्शन एंड व्हाट आर द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. तो पहला क्या था आपका? DPS, फिर उसके बाद में ISS, फिर उसके बाद में RP. अच्छा है RIP नहीं रहा. RP था लास्ट का जो निक नेम था, जो निमोनिक था.
तो पहला क्या है, सबसे पहला पार्ट डेट। पहला पार्ट क्या है? डेट। डेट क्यों जरूरी है? कि प्रिस्क्रिप्शन का मिसयूज ना हो, एक रिकॉर्ड पर्पस से होता है और ओल्ड रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए होता है। फिर दूसरा है आपका पेशेंट इंफॉर्मेशन। पेशेंट इंफॉर्मेशन में क्या, पेशेंट का एज, नेम, जेंडर एंड फिर उसके बाद में आपका जाता सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन जो आरएक्स लिखते हैं, आरएक्स को ही हम सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है आरएक्स इन व्हाट वी कॉल आरएक्स इन प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन में आरएक्स किसको बोला जाता है? सुपरस्क्रिप्शन। नाम में लगा सुपर, है ना, सुपर नेचुरल पावर। अब हम दवाई दे दे रहे हैं, अब भगवान जाने तुम्हारा क्या हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या जाएगा? आई से याद रखना इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट और ड्रग के नेम एंड क्वांटिटी कि कौन कौन सा ड्रग है। अब इनमें कई सारे पॉइंट्स आते हैं कि एरर इन प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन में एरर क्या हो सकती है। एरर मतलब गड़बड़ी, क्या प्रिस्क्रिप्शन में कभी गड़बड़ी हो सकती है? ये क्वेश्चन भी उठता है या पूछा जाता है, व्हाट आर द एरर्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन की एरर क्या है। एरर क्या है? मान के चलो कोई ड्रग है, उसका नाम लिखने में गड़बड़ी कर दी तो, है ना, दो, एक ड्रग है डिगॉक्सिन, एक ड्रग है डिजिटॉक्सिन, डिगॉक्सिन और एक ड्रग है डिजिटॉक्सिन, नाम अलग अलग है ना, लेकिन यदि इन दोनों का डॉक्टर्स राइटिंग में लिख दिया डॉक्टर ने, है ना, डिगो लिख दिया और उस तरफ भी लिख दिया डिजी, डिग 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 बस लिख दिया, तो बेचारे का तो डिग हो जाएगा, गड्ढा खुद जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, एब्रीब्रिएट फॉर्म, डोजेस फॉर्म, ड्रग्स का एब्रीब्रिएट फॉर्म लिखना ये खतरनाक होता है, उसका संक्षिप्त रूप में लिखना नहीं चाहिए यदि कन्फ्यूजन है तो। और कन्फ्यूजन है तो जो फार्मासिस्ट है वो क्या करना चाहिए, उसको कंसल्ट कर लेना चाहिए विद द डॉक्टर। अब हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी एक पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग कैसे करते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग कैसे करेंगे, मतलब प्रोसीजर क्या होगा, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आएगा, उसमें कई सारे पॉइंट्स आते हैं, उसको भी हम देखेंगे कि जब आप पेशेंट को देंगे तो प्रॉपर लेबलिंग और प्रॉपर कंटेनर में उसको फिल करके दें और अच्छे से बना कर दें डोजेस फॉर्म, यस और नो। अब जब आपके पास में प्रिस्क्रिप्शन आता है फार्मासिस्ट के पास में, तो फार्मासिस्ट को कॉन्फिडेंस में भी रहना चाहिए, ये भी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जब आपके पास में मेडिसिन का पर्चा आए, प्रिस्क्रिप्शन आए, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहें आप, है ना, आप ही डाउट में रहेंगे ये दवाई देखता हूँ मैं है कि नहीं, हाँ वो आ जाती है, है ना, वो डॉक्टर और फार्मासिस्ट का गठबंधन रहता है, वो दूसरे मेडिकल शॉप में पहचानना उसको डिफिकल्ट हो जाता है। जब आप एक पर्टिकुलर फील्ड में होते हैं तो वह चीज़ आ जाती है। आप अभी आपने पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, यदि मैं आपसे डायरेक्ट आके पूछ लेता व्हाट इज सुपरस्क्रिप्शन बेटा, तो आपके लिए सुपरस्क्रिप्शन ऐसा ही है, है ना, जैसे जो इनटेंजिबल थिंग है इस दुनिया में, है ना, हम कितनी चीज़ों को देख पाते हैं जितनी हमारी आंखों की क्षमता है। इस दुनिया में कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारी आंखों से परे हैं, उसको नहीं देख पाते ना, कि देख पाते हैं, हाँ, आप ऐसा नहीं कि कोशिश करने लगो, कोई टीचर वीचर आए तो बैठे बैठे सर देखो बकरी सर देखो शेर इसको हम क्या बोलेंगे, हेलुसिनेशन, हाँ क्या बोलेंगे इसको। फिर आपका इंस्क्रिप्शन के बाद में क्या आ जाता है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या जाएगा आपका, फिजिशियंस का डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, उसको बनाना क्या है, मतलब उसको कंपाउंड कैसे करना है और डिस्पेंस कैसे करना है। फिर उसके बाद में सिग्नेचर, मतलब आपका, हाँ इसमें आपको बताना है ये जो मैंने बताया कि हाउ टू टेक मेडिसिन, एट व्हाट टाइम टू टेक, है ना, विथ दैट इज टू टेक, किस चीज के साथ में उसको लेना है। मेडिसिन हैज टू टेक विद द मिल्क और विद द वाटर, है ना, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनको वाटर के साथ में हम नहीं लेते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, क्या है टेट्रासाइक्लिन, एक एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक को आप यदि मिल्क के साथ ले लेंगे तो क्या होगा, वो मिल्क में जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है उसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेती है और आपको इफेक्ट मिलेगा ही नहीं। तो ड्रग आपने किस पर्पज से लिया था, कि आप ठीक हो जाए टेट्रासाइक्लिन, लेकिन मिल्क के साथ में उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो ये क्या कहलाती है, एक तरीके की गड़बड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है, इसको आप एग्जाम में पूछेंगे कि गड़बड़ी क्या है, तो क्या लिखेंगे, इट इज द गड़बड़ी
एरर तो है, लेकिन एरर में किस टाइप की एरर है ये भी आपको मालूम होना चाहिए. इट इज द टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी. इट इज द टाइप ऑफ इनकम. एक टॉपिक है आपका लास्ट में इनकम्पैटिबिलिटी. क्या है इनकम? फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी. इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब जनरली होता है किसी भी चीज को आप बना रहे हैं तो वो ना बनके कुछ और प्रोडक्ट बन गया, अनवांटेड प्रोडक्ट बन जाना. तो जनरली जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो इसको डिफाइन करने के लिए मिक्सिंग वर्ड को यूज करते हैं कि व्हेन टू और मोर कंपोनेंट इज मिक्स्ड एंड फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज नॉट डिजायरेबल प्रोडक्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इनकम्पैटिबिलिटी. तो इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? इनकम्पैटिबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्रोडक्ट इनटू द अनवांटेड प्रोडक्ट. दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को आपने मिलाया या मिले वो, तो जिससे क्या हुआ आपका अनवांटेड प्रोडक्ट बन गया जो आपको नहीं चाहिए था. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्पैटिबिलिटी. अब इनकम्पैटिबिलिटी कई टाइप की भी हो सकती है ना, लेकिन इस टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे. ठीक, मतलब बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोरिलेशन रहे. कभी आपको इनकम्पैटिबिलिटी आया तो इनकम्पैटिबिलिटी प्रिस्क्रिप्शन से भी कोरिलेटेड है, और प्रिस्क्रिप्शन आया तो उसमें इनकम्पैटिबिलिटी का भी आप जो है लिख सकते हैं. एवरीथिंग इज कोरिलेटेड विद एवरी टॉपिक. चाहे आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे तो वो चीज़ें भी एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं. अब पूरा प्रिस्क्रिप्शन इज कोरिलेटेड विद द डोजेस फॉर्म, यस और नो? तो प्रिस्क्रिप्शन एंड पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन समझ में आया. अब इसमें हमको क्या पढ़ना है? हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और एरर इन प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शन में एरर्स क्या क्या हैं और हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन को हम हैंडल कैसे करेंगे. आजकल तो रेडीमेड मेडिसिन आती हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कंफ्यूज मत होना जब हम इसमें इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. तो इंस्क्रिप्शन में लिखा है नेम एंड क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन और API, लिखा है कि नहीं? पर आजकल ऐसा होता है क्या कि डॉक्टर नाम लिखेगा? आप आ जाएं बाहर, आप आ जाओ. डॉक्टर क्या करता है? डायरेक्ट ब्रांड नेम लिख देता है. डॉक्टर क्या करता है? डायरेक्ट ब्रांड नेम लिख देता है और आपको मेडिकेशंस दे देता है. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच.